हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मजे में होंगे। तो सुबह सुबह ही हमारे ब्लॉग की शुरुआत हो गई है और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो इधर हम आ गए हैं अपनी कच्ची रसोई में, तो कर देते हैं चूल्हे की पुताई, क्योंकि अब मेरी गैस भरकर आ गई है तो चाय हमारी गैस पर ही बन जाती है। तो अब चूल्हे की पुताई फिर से हम सुबह के टाइम ही करने लगे हैं, और कुछ दिन हमने शाम को ही पुताई की चूल्हे की, क्योंकि सुबह के टाइम थोड़ी सी फिर देरी हो जाती है। पहले चूल्हे की पुताई करो, उसके बाद में फिर चाय नाश्ता होता है। तो अब हम फिर से सुबह के टाइम में पुताई करने लगे हैं, तो कर लेते हैं रसोई में पुताई चूल्हे की। और सुबह के टाइम तो यही सारे काम हो जाते हैं गांव देहात में, चूल्हे की पुताई, झाड़ू पोछा, बर्तन। तो शाम के थोड़े बहुत बर्तन भी रह जाते हैं, क्योंकि जो लोग बाद में खाना खाते हैं तो वो पड़े रहते हैं बर्तन, फिर कहते हैं चलो सुबह के टाइम ही धुलेंगे, तो वो भी धुल लेंगे और उसके बाद में ही फिर हम खाना बनाएंगे आके। तब तक हमारे चूल्हे की जो हमने पुताई की है मिट्टी से, चिकनी मिट्टी से, ये भी सूख जाएगी अच्छे से। और आग थोड़ी सी हमने बढ़ाकर ही पुताई कर ली है, क्योंकि यहाँ पर भी थोड़ी सी राख आग फैल जाती है, फिर यहाँ पर अच्छा नहीं लगता है, तो इसी वजह से इधर भी हमने पुताई कर ली है। और चूल्हे की पुताई हो चुकी है, तो चलते हैं घर पर। और इधर उसके बाद में नहा धो करके आ गए हैं खाना बनाने के लिए, तो सब्जी भी हमने छील काट ली है लेकर आ गए हैं, हल्दी मिर्चा भी हमने पीस लिया है। तो सब्जी में बनाएंगे आलू फूल की सब्जी, तो यही सारी सब्जियां भी हमारे यहाँ ज़्यादा बनती हैं, आलू फूल की सब्जी, पत्ता गोभी और आलू टमाटर, तो यही सारी आलू वाली ज़्यादातर सब्जियां बनती हैं। और वैसे तो दाल वाल कभी कभी ही बन पाती है, ज़्यादातर आलू की ही सब्जी बनती है। तो इधर सब्जी को छौंक देते हैं और उसके बाद में फिर हम सेकेंगे रोटियाँ और थोड़े से बनाएँगे चावल। तो चावल के साथ में ये आलू फूल की सब्जी अच्छी भी लगती है, जो रसा वाली हम लोग सब्जी बनाते हैं। खाना जल्दी से बना लेते हैं, उसके बाद में आज हम बनाएंगे आलू के पापड़, तो वो भी हमको अभी बनाने हैं। तो आलू बाद में हम उबलने के लिए रख देंगे और धीरे धीरे तब तक उबल जाएंगे, उसके बाद में ही हम पापड़ बनाएंगे। तो इसी वजह से आज हम थोड़ी सी खाने में जल्दी कर रहे थे कि जल्दी से हमारा खाना बन जाए, उसके बाद में फिर पापड़ बनाना शुरू करेंगे। और वैसे भी पापड़ भी बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है, और जो भी हमको काम करने होते हैं हम पहले से ही सोच लेते हैं कि कौन सा आज हमको काम करना है कौन सा नहीं, तो जल्दी से ही सारे काम करते रहते हैं और दूसरा काम भी हमारा हो जाता है जल्दी से ही। और इधर हमने सब्जी छौंक दी थी, तो देख लेते हैं अब की सब्जी पक गई है या नहीं। और इधर आरोही भी अपने बर्तन लेकर बैठी हुई हैं, तो फिर से आरोही ने बर्तन यहीं पर रख लिए हैं, और हमने जब पुताई की थी रसोई की तब हमने इनके सारे बर्तन घर पर रख दिए थे सेट करके, और इन्होंने फिर से आज यहीं पर रख दिए हैं। तो इधर हमारी सब्जी भी बन गई है अच्छे से, तो अब रोटी सेंक लेते हैं। और उसके बाद में यहाँ घर पर हम आ गए थे, तो इधर भी हमने थोड़ा सा काम करवा दिया था, क्योंकि हमारी ननद जी आज साफ सफाई करने में लगी हुई हैं, तो ये सारे जो भी बिस्तर इस्तर थे ये बाहर निकाल दिए हैं। तो देवरानी जी के कमरे की साफ़ सफाई हो रही है, और अभी हमारे कमरे की भी साफ़ सफाई होनी है, तो वो भी हम करेंगे। तो इधर पहले हमने कहा ये वाला कमरा पहले साफ़ कर लो, तो वही सारा जो भी इसमें सामान रखा था ये बाहर कर दिया है बरामदे में। तो काफ़ी सामान भी था, ये कुछ गुलदस्ते थे, फ़ोटो वोटू थी भगवान जी की, तो यहाँ पर ये सेट कर दिया है। तब तक तो साफ़ कर लें, उसके बाद में ये सारी चीज़ें फिर से अंदर वहीं पर सेट कर देंगे जहाँ पर ये रखी हुई थी सारी चीज़ें। तो इधर साफ़ सफाई करने में लगी हुई हैं ननद जी, और इधर उसके बाद में रोटी वोटी हमारी सिक गई थी और सारे लोगों ने खाना भी खा लिया था, तो अब लग गए हैं पापड़ बनाने में। और आलू भी उबलने के लिए रख दिए थे, तो आलू भी उबल गए हैं और छील भी लिए हैं, तो अब इनको फोड़ने में लग गए हैं। तो थोड़े से आलू पहले हमने हाथ से फोड़े, लेकिन फूटे नहीं, क्योंकि थोड़े से ठंडे भी हो गए थे, बुआ छील रही थी और हम छील लेते तो थोड़ी सी देरी भी लग गई थी। और इधर फिर हम कटोरी एक छोटी सी लेकर आ गए थे, उसी से सारे आलू इस तरीके से फोड़ लिए थे, तो जल्दी हो गई थी थोड़ी सी। और इधर हमने और बुआ ने सारे आलू फोड़ लिए थे अच्छे से, उसके बाद में हमारी नंदन जी आई, उन्होंने अच्छे से इसको फिर से मिला दिया, और धनिया की पत्ती भी हमने डाल ली थी और नमक डाल लेते हैं, और जो भी मसाले जो लोग डालते हैं वो सारी चीज़ें डाल सकते हैं। बहुत सारे लोग नमक मिर्चा के भी बनाते हैं, जीरा धनिया सारी चीज़ें डालते हैं, लेकिन हमने सिंपल से ही पापड़ बनाए थे, क्योंकि ये वाले पापड़ हमारे यहाँ दीदी के यहाँ पर जाएंगे तो उन लोगों को मिर्च बिल्कुल भी नहीं पसंद है, तो इसी वजह से बहुत ही कम ही मसाले डाले थे। बिल्कुल सिंपल तरीके से नमक डाल लिया है और हरा धनिया की पत्ती डाल ली है, बस इतना ही डालेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं डाला है।
तो अच्छे से इन्होंने फिर मिला दिया था, क्योंकि हमारे हाथ में बहुत जल्दी से ही दर्द होने लगता है, तो हमने नहीं इसको मिला पाया था, तो इन्होंने अच्छे से इसको मिला दिया है और अच्छे से मिल जाते हैं। फिर बहुत ही अच्छे से हमारे पापड़ बनते हैं, एकदम से शीशे जैसे चमकते हैं। तो बाद में आप सभी को दिखाएंगे कितने अच्छे से हमारे पापड़ बनकर तैयार हुए थे। और एकदम से अच्छे से इसको मार लो तो बहुत ही अच्छे से इसमें फेंट भी आती है और एकदम सा महीन महीन हो जाता है, फिर इसमें गांठ भी नहीं रह जाती है आलू वाली, तो अच्छे से हमारे पापड़ भी बन जाते हैं। और इधर हम आ गए हैं पीछे वाले घर में, तो यहीं पर सारे पापड़ बनाएंगे, क्योंकि छत पर नहीं बन पाएंगे, हमारे यहाँ बहुत सारे बंदर हैं तो वो तो बनाने भी नहीं देंगे, और बना भी अगर लेंगे, अगर भगाकर उनको बना भी लेंगे, फिर बाद में वो रखेंगे नहीं, खा जाएंगे सारे पापड़। तो इसी वजह से यहीं पर पीछे वाले घर में बना लेंगे और यहीं पर खटिया डालकर उसी पर सुखा लेंगे। तो वही हम बनाना हमने शुरू कर दिए हैं। और इधर बुआ अभी बोरी वोरी ला रही हैं, क्योंकि बोरियों पर ही बनाएंगे और जो कपड़ा है उस पर चपक जाते हैं, तो इनको जो बोरी पर बना रहे हैं इनको अच्छे से धुल लिया था पहले से ही, तो इन्हीं पर सारे पापड़ हम इस तरीके से बेले से दाब देंगे। तो ये वाला जो बेला है, ये पीले वाले बेला हैं जिनको फूल के भी बेले होते हैं और कांसे के भी बेले होते हैं, तो वही वाला ये बेला है, इससे अच्छे से दब जाते हैं। और बहुत ही जल्दी से ही बन गए थे सारे पापड़, ज़रा सा टाइम लगा हमने और बुआ ने और हमारी नंदन जी ने, तीनों लोगों ने बहुत जल्दी से ही सारे पापड़ बना दिए। और धूप भी बहुत ही अच्छे से निकल आई थी, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा टाइम हो गया था, क्योंकि खाना बनाया उसके बाद में ही, थोड़ी सी साफ़ सफाई भी घर पर की, उसके बाद में ये हमारे पापड़ बन पाए थे। इधर हम लोगों की बातें भी हो रही थी, तो गांव की ही हमारी बड़ी अम्मा आ गई थी, तो वो कपड़े लेकर आई थी ब्लाउज बनवाने के लिए, तो वही बोल रही थी कि ये बना देना जल्दी से ही, थोड़ा सा ही काम था, तो हमने कहा चलो बना देंगे। तो उन्हीं से हम लोग बातें भी कर रहे थे, उस बातें करते करते और जल्दी से बन भी गए, क्योंकि कोई अगर बातें करने वाला मिल जाए फिर हमारे काम भी जल्दी से ही हो जाते हैं। और इधर एक जो फट्टी हमारी थी उस पर हमने दाब दिए हैं सारे पापड़ और बहुत ही अच्छे से हमारे पापड़ बने हुए हैं। और इधर हमारी ये बड़ी अम्मा बैठी हुई थी खटिया पर और बुआ और हमारी नंदन जी बना रही हैं और हम दाबने में लगे हैं, तो हमने कहा हम ही जल्दी से दाब देते हैं। और आरोही आज स्कूल चली गई थी, तो आरोही बाद में आई थी, तो वो बोलने लगी कि मम्मा हमने पापड़ नहीं बनाए हैं, तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं कल बना देना। वैसे आरोही आज जाने वाली नहीं थी स्कूल, बोल रही थी कि मम्मा हम भी पापड़ बनाएंगे, और अगर आरोही होती तो वो तो बनाने ही नहीं देती हैं, वो अपने काम में लगी रहती हैं कि हम भी बनाएंगे हम भी बनाएंगे, और काम बढ़ा देती हैं करने की वजह से। और इधर देखो इस तरीके से हमने सारे पापड़ दाबे हैं। और एक हमने ये पन्नी ले ली थी, बहुत ही अच्छी चिकनी सी पन्नी, इससे बहुत जल्दी से ही दब जाते हैं और आसानी से ये पन्नी जो होती है हट भी जाती है, तो बहुत ही अच्छे से हमारे पापड़ बन गए हैं। तो सभी लोग अपने अपने तरीके से बनाते हैं, लेकिन हम लोगों को ऐसे ही आसान लगता है, तो ऐसे ही सारे पापड़ जल्दी से बना लेते हैं। और इधर उसके बाद में पापड़ आपड़ हमारे बन गए थे, फिर हम आ गए हैं रसोई में, तो यहाँ से छत से मिट्टी गिर रही है, तो यहाँ पर से मिट्टी गिरी है, तो काफ़ी जगह भी हो गई है ऊपर से, और यहाँ पर बराबर से मिट्टी गिरती ही रहती है, तो अब लग रहा है कि रसोई हमारी खसने ही वाली है, तो पता नहीं कब तक ये रहेगी कब तक नहीं, क्योंकि इसकी दीवारें भी बहुत ही ख़राब हो चुकी हैं और हम इतने अच्छे से इसको रखते भी हैं कि जल्दी से ना खसे, लेकिन फिर भी मिट्टी गिरती ही जा रही है, तो जब बारिश होगी तब तो बहुत ही मिट्टी गिरेगी यहाँ पर। और इधर पहले हम रसोई में झाड़ू लगा देते हैं, सारे लोग पापड़ बनाने में ही लग गए थे, तो यहाँ का काम जहाँ का तहाँ ही छूट गया था, तो झाड़ू भी आज रसोई में हमारी नहीं लग पाया था, तो हमने कहा चलो पहले पापड़ बना लेते हैं, उसके बाद में यहाँ की भी साफ़ सफाई कर देंगे। और है ना कि जब चूल्हे पर खाना बनाओ तो राख बहुत ही उड़ती है, वही दीवारों पर जम जाती है, तो इसी वजह से थोड़ा सा अगर झाड़ू से झाड़ दो फिर से साफ़ हो जाती हैं, तो झाड़ू से हमने झाड़ दी हैं, अच्छे से हमारी दीवारें साफ़ हो गई हैं, तो झाड़ू लगा लेते हैं और जो इधर मिट्टी पड़ी हुई है उसको भी हटा देते हैं। हमने रसोई की दीवार बनाई है तो वहीं पर थोड़ी सी जगह छूटी हुई है, वहीं पर ये मिट्टी डाल देते हैं और इधर से अच्छे से झाड़ू लगा लेते हैं, क्योंकि बहुत सारी मिट्टी गिर गई थी, तो सिलबट्टे पर भी मिट्टी गिर गई है, सिलबट्टे से हमने हटा ली है और इधर से ही झाड़ू लगाकर ये सारा जो भी कूड़ा निकला हुआ है ये सारा कूड़ा बाहर ही ले जाएंगे, बाहर भी झाड़ू लगा देते हैं। और हवा इन दिनों में बहुत ज़्यादा चलती है, तो इसी वजह से धूल मिट्टी कूड़ा जो भी होता है अंदर ही चला आता है, तो बहुत जल्दी से ही झाड़ू लगाना हो जाता है। और हमारे यहाँ मिट्टी की तो कोई कमी ही नहीं है, बहुत ज़्यादा मिट्टी उड़ती है,
और इधर आप सभी को दिखाते हैं, हमारे पापड़ थोड़े से सूख गए हैं और बहुत ही पतले पतले से पापड़ बने हुए हैं। ये सारे पापड़ हमारे सूख जाएंगे तो बहुत ही पतले पतले से और एकदम से शीशे जैसे चमकेंगे, तो बहुत ही पतले पतले से हम लोगों ने पापड़ बनाए हैं, तो आज तो नहीं सूख पाएंगे, अभी कल भी इनको सुखाना पड़ेगा। और इधर आप सभी को दिखाते हैं, ये लोग बना रहे हैं ये साड़ी, तो ये धागे से कढ़ाई होती है, तो अड्डे का काम अभी इन लोगों ने बंद कर दिया है होली की वजह से, क्योंकि होली में बहुत सारे काम हो जाते हैं, तो ये वाला काम इन लोगों ने निकाल लिया है। तो हमारी ननद भी बना रही हैं, हमने कहा चलो आज हम भी इसको बनाकर देखते हैं कि ये वाली साड़ी कैसे बनाई जाती है। तो इसमें पूरी साड़ी में धागे की ही एक कढ़ाई है, तो कुछ इस तरीके से ये फ्रेम बोला जाता है और अड्डा भी इसको बोला जाता है, तो ऐसे लगाकर इसको बनाया जाता है और बहुत ही अच्छी कढ़ाई आती है। ये इधर उल्टी साइड में है और सीधी साइड में बिल्कुल अच्छे से डिजाइन का लुक आता है, बहुत ही अच्छे से सफाई इसमें भी बहुत है कढ़ाई में, तो बहुत ही प्यारी साड़ी है। और पूरी साड़ी जब बन जाएगी बहुत ही अच्छी लगेगी, लेकिन इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है कढ़ाई करने में। और ये वाला हमने फ्रेम ले लिया है, तो हमने कहा चलो हम भी बनाकर देखते हैं कि कैसे बनती है। तो हमने ये वाली बनाई है पहले, बहुत ही पहले बनाई है शादी के पहले, और शादी के बाद में अभी हमने ये कढ़ाई का काम नहीं ज़्यादा किया है, ये धागे की कढ़ाई का, तो हमने कहा चलो हम भी बनाकर देखते हैं, लेकिन फिर हमसे बन गई थी और बहुत ही अच्छा लगता है ये सारे काम करते हुए। तो ये लोग काढ़ रहे हैं और हमारी ननद भी काढ़ रही हैं, तो हमने कहा चलो हम भी काढ़ कर देखते हैं। दो तीन लोग मिलकर साड़ी की कढ़ाई करते हैं तब जाके ये साड़ी बन पाती है पूरी, और इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ही टाइम लग जाता है, इतना ज़्यादा टाइम उसमें अड्डे की कढ़ाई करने में नहीं लगता है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है क्योंकि ये धागे वाली कढ़ाई है। और यहाँ पर सारे लोग काढ़ रहे हैं बैठकर, क्योंकि इतने टाइम यहाँ पर अच्छा भी लगता है। और आज का ब्लॉग दोस्तों बस यहीं तक, आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।